Assalamu alaikum, class 3. So we are going to work our copy book of chapter Science Our World. So first, before starting the work, you have to follow the given instructions. हम जो है अपने चैप्टर का कॉपी वर्क करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है साइंस आर वर्ल्ड. सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो गिवन इंस्ट्रक्शंस. तो सबसे पहले आपको जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो मैंने आपको दी है. सो द इंस्ट्रक्शंस आर टेक योर कॉपी विद योर नेम एंड क्लास. सबसे पहले अपनी कॉपी की नाम और क्लास कितना है अपना. देन यू हैव टू कवर योर कॉपी विद द प्लास्टिक शीट. उसके बाद अपनी कॉपी को प्लास्टिक शीट से कवर करना है. देन यू हैव टू लुक एट अवर पेज ऑफ वर्कशीट वन. उसके बाद आप वर्कशीट वन का टाइटल पेज बनाएंगे. देन मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर साइंस आर वर्ल्ड. उसके बाद चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे दैट इज साइंस आर वर्ल्ड. काइंडली फॉलो द अल्फाबेटिकल फॉर्मेशन. उसके बाद जो है अल्फाबेटिकल फॉर्मेशन में खास ख्याल रखिएगा कि इस टाइटल से पॉसिबल किस तरह से करते हैं. देन यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर लाइन. लाइन्स प्रॉपर ड्रॉ होनी चाहिए. गिव वन फिंगर गैप आफ्टर ईच सिंगल वर्ड. हर सिंगल वर्ड के बाद आपने वन फिंगर गैप देना है. देन मस्ट मैंशन डेट एंड डेट ऑन ईच पेज. हर पेज पे जो है डेट ऑफ डेट मैंशन होना चाहिए. देन यू हैव टू यूज़ अ ब्लू कलर टू राइट अ क्वेश्चन एंड यूज पेंसिल टू राइट अ आंसर. ब्लू कलर से आप क्वेश्चन लिखेंगे एंड पेंसिल से आप आंसर लिखेंगे. सो ये इंस्ट्रक्शन. सो हाउ टू स्टार्ट अ वर्क आफ्टर टेकिंग योर कॉपी एंड कवर विद प्लास्टिक. यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ वर्कशीट जस्ट लाइक दैट. ओके. Then you have to make a title page of chapter that is Science Our World. Then we are moving towards our words meaning. Before starting the work, you have to maintain the page with date and day, and then you have to maintain the heading with blue color of words and meaning. Aapne heading maintain karni hai words and meaning ki with blue color. So the first word you have to write the words with blue color and you have to write the answer their meaning with a pencil. So the first word is scientist. Scientist kaise kehte hain? Science ka kaam karne wala ya science ka. Theek hai. Next word is observation. Observation ka matlab kya hota hai? Gaur karna. Next word is experiment. Experiment kehte hain tajruba karne ko. And the last word is result. Result means kehte hain hasil. Experiment kiya humne. After words meaning, we will start our work that is question answer. As same as first you have to maintain the page with day, and then you have to maintain the heading with blue color question answer. Kindly follow the alphabetical formation. You must remember square and cross and root letter, and you have to give one finger gap after each single word. Okay. The first question is what is science? Science kya hoti hai? साइंस इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास की जितनी चीज़ें थी हमारे वर्ल्ड हमारे आसपास जितनी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं उसे हम साइंस कहते हैं. चाहे वो अर्थ हो, यूनिवर्स हो, स्टार्स हो, फूड हो, वेजिटेबल्स हो, हमारा फूड हो, कोई भी चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं अपने आसपास की चीज़ों की तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू दैट इज हाउ डज साइंस वर्क. साइंस काम कैसे करती है? साइंस वर्क व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशन. जब हम किसी चीज़ को गौर करते हैं तब जाके साइंस काम करती है. साइंस बेसिकली स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कहते कैसे? ऑब्जर्वेशन मीन्स टू लुक केयरफुली एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट थिंग. ऑब्जर्वेशन मीन्स टू लुक केयरफुली एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी थिंग. किसी भी चीज़ को हम गौर से देखें, गौर करें और उसके बारे में मालूम हासिल करें उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है. किसी भी चीज़ को गौर करना उसके बारे में मालूम हासिल करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. क्या होता है जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं अपने आस पास की तरफ? सो द व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशन जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं वी गेट नॉलेज एंड लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. ऑब्जर्वेशन जब हम शुरू करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारी क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में. सो दैट इज़ द कॉपी वर्ड क्लास 3. सो यू हैव टू डू इन योर कॉपी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन थ्योरी यू मे आस्क. थैंक यू सो मच.